ये आपका हॉट प्लेट है, ठीक है, ये हॉट प्लेट है। नॉर्मली अगर आप मीडिया प्रिपरेशन में हमको हीट करना पड़ता है, ठीक है, मिक्सिंग के टाइम जैसे कोई चीज मिक्स नहीं हो रही तो हम हीट बढ़ाते हैं ना, तो ये आपको जस्ट एक हीटिंग के लिए हीटिंग एलिमेंट है, टेम्परेचर राइज करने के लिए। फिर उसका मॉइस्चर निकाल के कंपेयर करके वो आप उसमें एस कंटेंट देखते हैं, ठीक है, ये सॉक्सलेट है, यही ठीक है। इसमें तीन चीजें होंगी, अभी आपका जो है ये पार्ट कंप्लीट नहीं है, ये केवल हीटिंग कर रहा है, ठीक है, अभी बीच में आपका जो है एक सबसे ऊपर कंडेंसर होगा, ठीक है, और बीच में एक और यूनिट लगेगी, ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन का काम करेगा, ठीक है, और यहाँ से हीटिंग होगी, समझ गए, और वो आपका डिस्टिलेशन यूनिट है, डिस्टिल वाटर, ठीक है, और ये आपका क्या है, मॉइस्चर हटाता है, मॉइस्चर डेसिकेटर, ठीक है, नाम ही भुला गए, क्लास नहीं आती, वाटर बाथ, छोटा स्मॉल स्केल वाला वाटर बाथ ही है, ये ऑटोक्लेव है, ठीक है, छोटा वाला ऑटोक्लेव है, ये यूज में इस समय नहीं है, ये मैग्नेटिक स्टिरर विथ हॉट प्लेट, ठीक है, छोटा जैसे इसका क्या है, सेम आपका हीटिंग करेगा लेकिन इसमें मैग्नेटिक स्टिरर है, मतलब एक आता है छोटा सा, ठीक है, उसमें मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, आप जब इस पे रखोगे तो आपको मिक्सिंग खुद से हाथ से नहीं करना पड़ेगा, वो आप उसमें डाल दोगे तो वो घूमता रहेगा उसके अंदर, ठीक है, स्टिरर का काम करेगा, प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, ये ऑटोक्लेव सारा आपका जो भी ग्लासवेयर हुआ या फिर मीडिया स्टरलाइजेशन का बात हुआ, ये सारा चीज ऑटोक्लेव, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल था कि नहीं था, प्रैक्टिकल